अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आमिर लोगों से दूर रहे, सबसे ज़्यादा जादू और सफलिंग वही आपके ऊपर कर रहे हैं, तभी आपका कोई अमल कामयाब नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो ख़ास अमल है वो अपने प्यारों को पाने का अमल। अगर आपके प्यार में बहुत दूरी है और नाराज़गी है तो ये अमल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इस अमल के करने से एक दिन का ये ख़ास अमल आप करेंगे तो आपका प्यारा आप तक लौट आएगा इंशाल्लाह ताला। वक्त की इसमें आपने पाबंदी करनी है, ईशा का टाइम रखें या फिर तहज्जुद का टाइम रखें, वक्त ईशा या तहज्जुद का, ये आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है। दिन कोई सा भी रख लें, दिन आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। दुरूद पाक अमल, दुरूद पाक का 11 मरतबा अव्वल आखिर है। जब अमल शुरू करने लगे तब भी दुरूद पाक पढ़ें, जब अमल ख़त्म कर दें तब भी दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है। दुरूद पाक तो लाजिम है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी हो जाता है। जब हम अमल करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ होते हैं। नमाज, नमाज की पाबंदी है, नमाज की कोई छूट नहीं, पाबंदी है नमाज आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये अमल पसंद की शादी का अमल, अपने प्यारों को पाने का अमल है। ये अमल जिस नीयत से भी आप करेंगे इंशाल्लाह कबूल व मंजूर होगा, लेकिन जब आप अमल करने लगे तो ये नक्श जो स्क्रीन पर है, इसको मैं जूम भी कर दूंगी, इस नक्श को आपने अपनी बाजू पर बांध लेना है, ठीक है। ऐसे जैसे ये बाजू पर बंधा हुआ है, बाजू के ऊपर वाले हिस्से पर आपने बांधना है। आप इसमें इस जो तावीज़ का हिस्सा होता है, ये जिसमें अक्सर दफ़ा हम नक्श बना कर रखते हैं, ये वाला हिस्सा, मतलब कि ये आप ले सकते हैं बाज़ार से, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये इसको चांदी का तावीज़ भी कहते हैं, अगर चांदी के तो आम तावीज़ या आम नक्श भी कहते हैं। रखने के लिए नक्श का एक डब्बा सा होता है, ये आपको बाज़ार से मिल जाएगा, नहीं तो आप किसी कपड़े में लपेट कर, स्याह कपड़े में लपेट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बहन भाई पसंद की शादी करना चाहता हो, कोई भी बहन भाई पसंद की शादी करना चाहता हो जिसमें उसके वालदैन राज़ी हों, मगर जो जिससे प्यार करते हैं उसके माँ बाप राज़ी ना हों, अगर उसके माँ बाप राज़ी ना हों और उसकी बात ना सुनते हों, उसके रिश्ते करने में रुकावट डालते हों, तो फिर हम ये अमल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 7 दिन में रिश्ता भी हो जाएगा और इतनी मोहब्बत होगी कि आपकी सोच है। नक्श को आपने बाजू पर बांधना है, और जब नक्श आप बाजू पर बांधें तो दुआ दिल में यही रखें कि आप शादी के लिए, निकाह के लिए अमल कर रहे हैं, नाजायज़ काम के लिए नहीं कर रहे, अपने प्यारों को पाने के लिए अमल कर रहे हैं। ईशा की नमाज ख़ास है, आप ईशा की नमाज ये अमल ज़रूर करें, और नियत निकाह शादी की रखें, अपने प्यारों को पाने की नियत रखें। लफ्ज़ हैं जो आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, ईशा की नमाज के बाद 1111 मरतबा आपने या वदूदो या लतीफ़ो, या वदूदो या लतीफ़ो, ये आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ करें और आप सो जाएं। आप जब आराम करें तब यह अमल करें, फिर देखिएगा इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए भी आप ये अमल कर रहे हैं, निकाह के लिए, शादी के लिए, अगर किसी मियां बीवी में मसला है, लड़ाई झगड़ा है उसके लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए भी ये अमल किया जा सकता है, पसंद की शादी के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, और घरेलू लड़ाई झगड़ा किसी भी किस्म का है आपके अपने प्यारों के साथ,
उसके लिए भी ये अमल किया जा सकता है, लेकिन इस अमल को नजायज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक खास अमल है, छोटा सा अमल है, एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका प्यारा है आप तक पहुंच जाएगा, इतना बेचैन होगा कि दोबारा कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह बताया जाए बिल्कुल वैसे करें। नक्श को बनाकर बाजू पर बांध लें, बाजू के ऊपर वाले हिस्से पर बांधिएगा, और ताकि नज़र भी ना आए, किसी की नज़र भी ना पड़े, और काले कपड़े में लपेट कर आपने ये बांधना है। कभी कभी बहुत मुश्किल वक्त होता है, आप लोग बहुत तड़पते हैं अपने प्यारे को पाने के लिए, बहुत तड़पते हैं, बहुत मोहब्बत होती है आपस में, लेकिन सामने वाला इस चीज़ को नहीं समझ सकता। तो प्यारे बहन भाइयों, अपने प्यारों को पाने के लिए ये एक ख़ास अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला जब तक ये अमल आप करेंगे, आपका प्यारा कभी दूर नहीं जाएगा। वक्त की पाबंदी ज़रूर करें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, इंशाल्लाह पहले दिन में ही वाजिया फ़र्क आपको महसूस हो। जो लोग जिन्होंने किसी को ब्लॉक कर दिया हो वो भी ये अमल करें, इंशाल्लाह अनब्लॉक हो जाएंगे। और ये अमल अगर कोई तस्वीर है या तस्वीर मजबूत है तो उस पर भी, तस्वीर पर भी दम करें, यानी अगर तस्वीर है तो उसके ऊपर दम कर दें, या फिर अगर कोई तस्वीर नहीं है, तस्वीर है, आपको याद में भी वो सही नज़र आते हैं, तो फिर तसव्वुर में लाकर उनके ऊपर दम कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। अमल करने से पहले इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं पता आपको भी कि क्या आपको कहीं जादू तो नहीं, कहीं बंदिश तो नहीं, कहीं सफलीलम तो नहीं, किस वजह से आपका अमल कामयाब नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से आप इस्तखारा करवा सकते हैं, इस्तखारा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, या अमल करवाना चाहते हैं, या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा, और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।